हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। आज हम स्कूल में यूज किए जाने वाले कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं, उनके हिंदी मीनिंग के साथ। ये सेंटेंसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलो तो फिर आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सब लोग प्रार्थना के लिए हॉल में एकत्र होंगे। ऑल विल असेंबल इन द हॉल फॉर प्रेयर। विद्यार्थी लाइनों में अपनी अपनी कक्षा में जाए। स्टूडेंट्स मूव टू योर क्लासेस रो वाइज। बैठ जाइए, टेक योर सीट। मैं हाजिरी लेने जा रही हूँ। I am going to take attendance. क्या आप सब ने गृह कार्य कर लिया? Have you all done your homework? हाँ सर, कर लिया। Yes sir, we have done. Homework जमा करो। Hand your homework in. मैं होमवर्क चेक कर लेती हूँ। लेट मी चेक द होमवर्क। एक एक करके आओ। कम वन बाय वन। अपनी बारी का इंतजार करो। वेट फॉर योर टर्न। बैठे रहो। स्टे सीटेड। हिंदी की किताब निकालो। टेक आउट योर हिंदी बुक्स। अपनी किताब का पेज नंबर 52 खोलो। ओपन योर बुक्स एट पेज 52। ध्यान से पढ़ो। रीड अटेंटिवली। जोर से पढ़ो। रीड आउट लाउड। ये पाठ दोहराओ। रिवाइज दिस चैप्टर। क्या आप समझ गए मैंने जो कहा? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सर मुझे वो समझ में नहीं आया। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। क्या मैं पानी पीने बाहर जा सकता हूँ? May I go out to drink water? मुख्याध्यापक बहुत सख्त है। The headmaster is very strict. तुम्हारा इंग्लिश का अध्यापक कौन है? Who is your English teacher? जिन्होंने अपना गृह कार्य नहीं किया है कृपया खड़े हो जाइए। Those who have not completed their homework, please stand up. क्या तुम कल अपना प्रोजेक्ट लेकर आओगे? Will you bring your project tomorrow? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।